आज हम बनाएंगे व्हाइट सॉस। व्हाइट सॉस हमें बहुत सारी रेसिपीज में काम आती है, जैसे कि पास्ता बनाना हो, व्हाइट सॉस पास्ता बच्चों को बहुत ही पसंद आता है, और चाहे तो चीज ब्रश पिज्जा बनाना हो। बट इसे घर पे बनाना भी बहुत ही इजी है फ्रेंड्स, बहुत ही कम सामान से आप इसे घर पे बना सकते हैं। तो चलिए जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। मैंने इसके लिए एक पैन लिया हुआ है, और पैन जैसे ही थोड़ा गर्म हो ना, आप उसमें थोड़ा सा बटर ऐड कर दीजिए। मैंने होममेड बटर का यूज किया है, और जैसे ही बटर मेल्ट हो जाए आप इसमें एक बड़ा चम्मच मैदा डाल दीजिए, और मैदे को हल्का सौते कर लीजिए। देखिए मैदा मेरा थोड़ा सा फ्राई हो चुका है, अब मैं इसमें करूंगी दूध को ऐड। देखिए मैंने इसमें दूध ऐड कर दिया है, और दूध ऐड करने के बाद आप चाहें तो थोड़ी देर के लिए गैस को ऑफ कर दीजिए फ्रेंड, और इसे अच्छी तरीके से हिला लीजिए। इसमें इस तरह से मैंने इसको मिक्स कर देना है कि इसमें कोई भी लम्स ना हो। देखिए अब मुझे थोड़ा सा ना थिक लग रहा है, तो मैं इसमें क्या करती हूँ कि थोड़ा सा दूध और ऐड कर देती हूँ। देखिए अब मैंने दूध को ऐड कर दिया, और मैंने गैस भी ऑन कर दी है, और इसे मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। इसमें ऐसे मैंने इसको मिक्स करना है फ्रेंड, इसमें कोई भी लम्स ना पड़े। हम इसमें थोड़े से मसाले ऐड कर देते हैं, जैसे कि मैंने इसमें थोड़ी सी काली मिर्च ऐड करी है, रेड चिली फ्लेक्स, और थोड़ा सा नमक। देखिए इन सभी चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से इसमें मिक्स करना है, और इसे मैंने बॉईल होने तक पकाना है फ्रेंड। इसको बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं रखना है मैंने, और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं है। इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह की होनी चाहिए, और इसमें अच्छा सा बॉईल भी आ चुका है। और अब हम करते हैं गैस को ऑफ। एक बोल में इसको निकाल लेते हैं। देखिए मैंने इसे निकाल लिया है, और ऊपर से थोड़ा सा रेड चिली फ्लेक्स डाल दिया है इसमें। और जब आपको यूज करना हो, चाहे आप पास्ता बनाना हो, चाहे भी किसी भी चीज़ में आपने यूज करना हो, तो थोड़ा सा आप निकाल के इसे यूज कर लीजिए। अगर आपका ये थिक हो जाए ना, तो आप इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको व्हाइट सॉस की रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।